చెరగి పరిల చేరం నాయారిత మటిగా చేరకారానారి వ్రటరు వ్రటిారియారితుంతుంమాండిలు गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज़ साफ़ है पिक्चर साफ है तो मुझे मैसेज भेजो गुड मॉर्निंग मिलन गुड मॉर्निंग सिमर गुड मॉर्निंग अजय गुड मॉर्निंग जनप्रीत गुड गुड मॉर्निंग जसकिरण गुड मॉर्निंग आशा जी सब लोग गुड मॉर्निंग या मैसेज मुझे ज़रूर भेजो ताकि मुझे पता रहे कौन कौन लोग हैं राइट आशा जी सब क्लियर है करते हैं स्टार्ट सब लोग अप भेजो मुझे ताकि मुझे रहे पता कौन कौन लोग क्लास लगा रहे हैं। राइट 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 गुड मॉर्निंग सिमरन गुड मॉर्निंग सिमरन गुड मॉर्निंग अदिति गुड मॉर्निंग विशाल स्टार्ट करते हैं राजस्थान में जो हो रहा है उसे फॉलो करो अच्छे से न्यूज समझो वो बताते हैं किस दल के पास कितने एमएलएज़ हैं गहलोत जी के पास कितने एमएलएज़ रह गए पायलट कितने एमएलए लेके जाने वाले हैं बीजेपी के पास कितने एमएलएज हैं क्या कम्बिनेशन बनेगा पार्बिटेशन कंबिनेशन कैसे सरकार बन सकता है नहीं बन सकता है वो सब समझो आप लाइट कम नहीं था अब मैसेज भेजा करो मुझे लाइट कम हो या डिस्टरबेंस हो मैं ही भूल जाता हूँ ऑन करना राइट right. तो हाँ राजस्थान फॉलो कीजिए आप अपने आप और उसमें कुछ डाउट्स हो तो फिर मुझे मैसेज भेजा कीजिए कि ये कैसे हुआ पायलट क्या करेंगे राइट और आप लोगों ने एक मैसेज भेजा है मुझे इंडिया नेपाल रिलेशन्स को लेके जो झगड़ा चल रहा है इंडिया नेपाल का आजकल इसका पूरा डिटेल इंडिया नेपाल वो हम बाद में करेंगे स्लाइड्स के थ्रू स्लाइड्स बनाएंगे प्रोपर एक एक इशू कवर करेंगे जब इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस वो वाला एरिया हम लोग कवर करेंगे अभी के लिए ब्रॉड ब्रॉड मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ भी क्या चल रहा है इंडिया नेपाल का पहले तो आप बात ये समझो हमने कभी सुना था कि नेपाल भी हमारे साथ कुछ ऊंची आवाज में बात करेगा कभी सोचा ही नहीं था नेपाल को तो हम लोग हमेशा से खूब पैसा देते हैं खूब ग्रांट देते हैं और नेपाल की खूब मदद करते हैं हम क्यों इतनी मदद करते हैं नेपाल की इसलिए कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है लैंड लॉक्ड, जिसका मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ सभी कंट्रीज ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर कंट्रीज कही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समंदर उनकी बाउंड्री पे जरूर लगता है कुछ कंट्रीज होते हैं बिल्कुल कॉन्टिनेंटल अंदर जिन्हें हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं चारों तरफ से लैंड से घिरे हैं अब अगर चारों तरफ से लैंड से घिरे हैं यानी कि चारों तरफ कोई ना कोई और कंट्री है उनको तो बेचारों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है वो तो ऊपर हवाई जहाज से ही जा सकते हैं वैसे तो कोई निकलने का रास्ता नहीं है समंदर का फंस गए फंस गए तो बहुत कुछ इंपोर्ट करना है कैसे इंपोर्ट करें सब चीज़ें हवाई जहाज़ से मुश्किल है कच्चा तेल हवाई जहाज़ से कितना मंगा लोगे सोच के देखो इंडिया भी लैंड लॉक्ड कंट्री होता और कच्चा तेल रोज़ाना लाखों टन बैरल ऑयल हम कंज्यूम करते हैं तो ये तो जहाज से ना आ पाता आ भी पाता तो बहुत महंगा होता तो नेपाल को बेसिकली ये प्रॉब्लम है लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम नेपाल की बहुत हेल्प करते हैं हमारा जो रोड रास्ता है सड़क वाला रास्ता है वो हम नेपाल को बहुत यूज़ करने देते हैं और नेपाल के ऑयल टैंकर वो इंडिया से गुजरते हैं इंडिया का नेपाल का रोड लिंक है और ओपन बॉर्डर्स हैं हम लोग नेपाल घूमने वैसे ही जा सकते हैं वीज़ा नहीं लगता है शायद पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है बस वैसे वीजा वीजा नहीं लगता है नेपाली लोग भी कितने यहाँ आते जाते रहते हैं और पिछले दिनों जब ये झगड़ा हुआ तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कमेंट करते रहे कि कोई बात नहीं नेपाल तो अपना ही है नेपाल के साथ तो पुराना हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है रोटी बेटी का रिश्ता दैट मींस रोटी कमाने नेपाल के लोग हमेशा से यहां आते रहे हैं और बेटी का रिश्ता मतलब नेपाल के साथ तो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे कहाँ रिश्ते होते हैं नेपाल के साथ हमने तो नहीं नेपाली लड़की से शादी की या नेपाली लड़के से तो कौन लोग करते हैं जो नेपाल के नीचे वाले एरियाज हैं जो बिहार को सराउंड करते हैं बिहार को बॉर्डर करते हैं जो तराई एरियाज हैं वहां ऐसा है इंडिया में बहुत नेपाली लोग रहते हैं तो इनकी शादियां होती रहती हैं वहां इंडिया में नेपाली कहां रहते हैं ज्यादा नेपाली कहां रहते हैं ध्यान करो सोच के देखो ये नेपाल ये नीचे इधर बिहार इधर सिक्किम इधर ये वेस्ट बंगाल वाले एरिया ऊपर दार्जिलिंग वाले दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल यहां से शुरू होकर ऊपर तक थोड़ा जब जाता है जलपाईगुड़ी सिलीड़ी दार्जिलिंग ये हिली एरियाज हैं जो वेस्ट बंगाल के उनकी बात कर रहा हूं वो एरियाज ये जो नीचे वाला एरिया है ये तराई एरिया कहलाता है तराई तराई का मतलब क्या है तराई आपने कभी वर्ड सुना हो तराई तराई का मतलब होता है पानी डालना गीला गीला टाइप तराई कर दो ये पुराने ज़माने जो वो कच्चे घर होते थे कच्चे फर्श होते थे तो पानी डाल के उसे ठंडा करते थे तो उसे कहते थे तैराई कर दो पानी डाल दो एक्चुअली है क्या हिमालयन रिवर्स यहाँ पहाड़ों से जब यहाँ निकलती हैं नीचे प्लेन्स में आती हैं पहाड़ से निकल के तो इस एरिया में आके वो नीचे गायब हो जाती हैं तो ये वाला एरिया थोड़ा दलदल टाइप मार्शी टाइप हो जाता है स्वैम्पी टाइप हो जाता है कुछ टाइम नीचे गायब हो जाती है कुछ एरिया में फिर निकल आती है जहां नीचे गायब रहती है लैंड के नीचे उसके ऊपर वाला एरिया दलदल टाइप हो जाता है तो तराई एरिया कहलाता है ये उत्तराखंड वाले एरियाज भी ऐसे ही हैं उत्तराखंड कहां है ये इसके साथ ये उत्तराखंड अब झगड़ा क्या है एक तो पहले समझो नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर कंट्री है बफर कंट्री क्या होता है बफर स्टॉक, बफर जोन ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने बफर स्टॉक क्या होता है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो खूब अनाज इकट्ठा करके रखती है लाखों टन अनाज अपने पास रखती है कि कोई मुसीबत में काम आ जाए किसी साल अच्छी फसल ना हो तो हम कहाँ से खाएंगे तो इसके लिए एफ है वो बहुत ज़्यादा अनाज अपने पास स्टॉक में रखती है इमरजेंसी के वक्त भाई जो इंटरवीनिंग पीरियड होगा अच्छी फसल दो अच्छी फसलों के बीच में जो बुरा इंटरवीनिंग बीच का पीरियड बफर पीरियड होगा उसके लिए एफसीआई बफर स्टॉक रखती है उसे कहते हैं बफर यहां बफर कंट्रीज से मतलब है दो कंट्रीज के बीच वाला एरिया एरिया यानी कंट्री तो दो कंट्रीज के बीच कंट्री दैट इज बफर कंट्री और खास तौर पर दो वॉरिंग कंट्रीज या कंटेस्टिंग कंट्रीज दो एनिमीज के बीच में ये एक न्यूट्रल कंट्री इज बफर कंट्री इसका हमें बहुत फायदा है बफर कंट्री का क्यों ये बीच में जो बफर जोन बना है यह हमारे लिए बहुत अच्छा है क्यों भाई अगर ये ना होता नेपाल तो फिर ऊपर चाइना दुश्मन वो तो सर पे ही खड़ा हो गया होता हम आज तक पछताते हैं कि तिब्बत पर चाइना ने जो कब्जा किया हुआ है उसको लेके इंडिया ने कोई स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया वरना किसी जमाने में तिब्बत एक अलग कंट्री होता था ये चाइना ने दबा लिया अब अब अगर तिब्बत भी एक आज़ाद कंट्री होता तो हमारा और चाइना के बीच में ये तिब्बत आ गया होता चाइना हमसे दूर ही होता परेशानी कम होती ऐसा होता तो तिब्बत को लेके भी हम लोगों ने जब चाइना ने तिब्बत को दबाया तो हम लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ जी चाइना तिब्बत तो आपका ही है जो आज हम पछताते हैं कि नहीं होना चाहिए था ऐसे ही नेपाल जो दोनों कंट्रीज के बीच में है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है फायदेमंद तब है जब हमारी तरफ हो या न्यूट्रल हो लेकिन अगर चाइना की तरफ चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी चाइना नेपाल इकट्ठे हो गए फिर तो इंडिया उनकी नोक पे आ गया बंदूक की नोक पे फिर तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है ये लेटेस्ट प्रॉब्लम किस कारण पैदा हुई लेटेस्ट प्रॉब्लम मोटे तौर पे आप ये समझो कि नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है दैट इज नेपाली इज कॉम्युनिस्ट पार्टी कॉम्युनिस्ट और चाइना तो हमेशा से ही कम्युनिस्टों द्वारा रूल्ड है इसलिए जो भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी चाइना उसे हमेशा सपोर्ट करेगा और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को तो चाइना अच्छे से सपोर्ट करता है यहां प्रधानमंत्री हैं ओली ओली ध्यान रहे जापान नेपाल में कम्युनिज्म नहीं है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वो कैसे फर्क क्या हुआ कम्युनिज्म का मतलब हुआ जैसे चाइना है बिना इलेक्शन के कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चलेगा नेपाल में ऐसा नहीं है नेपाल में डेमोक्रेसी है इलेक्शन है उन इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी वन ऑफ द पार्टीज है उसने इलेक्शन लड़ा वो जीत गई तो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आ गया लेकिन नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी जीती ओली प्रधानमंत्री बने ये अपने दम पे नहीं बने इन्हें सपोर्ट किया प्रचंड नाम के एक और लीडर ने प्रचंड दोनों प्रचंड और ओली दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के सॉलिड बड़े लीडर्स हैं झगड़ा हुआ प्रधानमंत्री मैं बनूंगा मैं बनूंगा फाइनली बने ओली और प्रचंड बन गए उस कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन लेकिन ऐसी सिचुएशन में बहुत दिनों तक तो सरकारें नहीं चलती हैं प्रचंड की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है प्रचंड ने धीरे धीरे झगड़ा बगावत शुरू कर दी भैया ओली जी बहुत हुआ, अब हटो अब हमें प्रधानमंत्री बनने दो तो पिछले दिनों ओली के खिलाफ बगावत हुई अपनी ही पार्टी में तब चाइना ने थ्रू थ्रू चाइनीज एम्बेसडर इन नेपाल उनके थ्रू ओली की मदद की ओली को प्रधानमंत्री बनाए रखा चाइना ने दबाव डाला और ये सब लोग मान गए सेटल हो गई बात ओली प्रधानमंत्री बने रहे लेकिन पिछले दिनों फिर ये बात उठ गई आज की डेट में अगर ओली प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो वो चाइना की कृपा से बने हुए हैं। अब अगर वो चाइना की कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे चाइना खुश हो ध्यान दीजिए कल के पेपर में न्यूज आई है कि ओली के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने काफी पैसा दाएं बाएं बैंक में रखा हुआ है दुनिया के दूसरे बैंकों में रखा हुआ है करप्शन से पैसा कमाया हुआ है बहुत ठेकों वेकों से पैसा कमाया है कंबोडिया जैसे कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी खबर आई कि जो कोरोना काल में नेपाल ने चाइना से सामान खरीदा पीपी किट वगैरह ये सब वेंटिलेटर्स वगैरह कोई 600-700 करोड़ के सामान जो खरीदा वो सामान भी घटिया क्वालिटी का था उसमें भी करप्शन हुआ उसमें ओली को किकबैक्स मिले रिश्वत मिली और उस बात के खिलाफ नेपाल की सड़कों पे प्रदर्शन हुए अगेंस्ट ओली तो ओली के खिलाफ अपने ही कंट्री में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए इसलिए कि भैया जी तुमने चाइना से सस्ता घटिया माल खरीदा और बीच में पैसा खा गए सफर करेंगे हम आम जनता तो ओली का विरोध रहा अब जब घर में समस्याएं बहुत होती हैं ना प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं तो कुछ तरीके होते हैं लीडर्स के पास नेताओं के पास जनता का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान करो जब अपने देश में कोरोना कोरोना का कहर बहुत ज्यादा चल रहा था उन दिनों तभी चाइना का मुद्दा आ गया तो सारे टीवी वाले चाइना चाइना हम कोरोना भूल ही गए चाइना मुद्दा चलता रहा कुछ दिन फिर आज तक वाले वो विकास दुबे यूपी का क्रिमिनल वो लेके बैठ गए तब हम चाइना भूल गए विकास दुबे जी शांत हुए दो दिन अमिताभ बच्चन को लेके बैठ गए मतलब कोई नया मुद्दा उठा दो पुराना मुद्दा भूल जाएंगे जनता पब्लिक की जो मेमोरी है वो शॉर्ट लिव्ड होती है ऐसा नेता लोग समझते हैं नए नए मुद्दे उठाते रहो ध्यान भटकाते रहो तो इसलिए ओली ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी जब अपने देश में अपने घर में प्रॉब्लम हो तो कोई ऐसा मुद्दा उठा दो जनता का ध्यान मेरी तरफ से हट जाए मेरे ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं उससे ध्यान हट जाए तो उसके लिए ओली ने इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बाउंड्री डिस्प्यूट फ्लेयर अप कर दिया उठा दिया मसला उससे नेपाल की जनता के अंदर वो भावना आ गई ना हमारी जगह हमारा लैंड चाइना बड़ा इंडिया बड़ा कंट्री हमें दबाता है हम नहीं देगा अपना लैंड हम मर जाएगा राष्ट्रवाद वो भावनाएं भड़क गई भड़क गई और उन भावनाओं को भड़काने में ओली ने लीड किया ऐसे वक्त में देश के लीडर बन गए तो देश को लगा भी हाँ ओली सही आदमी है भैया इंडिया के खिलाफ बोलता है बड़े देश के खिलाफ दमदार आदमी है अपने मोदी जी अमेरिका के खिलाफ चाइना के खिलाफ कुछ बोले हैं तो हमें लगता है ना भैया दमदार आदमी है मजबूत आदमी है उसी तरह से ओली इंडिया के खिलाफ बोले नेपाल में तो नेपाल की जनता को लगेगा ना कि ओली मजबूत आदमी है दमदार आदमी है ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट फ्लेयर अप कर दिया जनता ओली के पीछे पीछे हो गई ओली जिंदाबाद नेपाल जिंदाबाद ओली ने संविधान बदल के वो मैप वैप चेंज करा दिया और फॉर द टाइम बीइंग वो फीलिंग सबसाइड हो गई अब ओली ने मुद्दा क्या उठाया झगड़ा किस बात का हुआ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना तभी होगा ऐसे बेकार में झगड़ा तो नहीं हो सकता तो क्या किया हुआ क्या प्रॉब्लम क्या थी नेपाल का झगड़ा क्या है यह नेपाल है किसी जमाने में नेपाली गोरखास बहुत वेलियंट बहादुर होते थे गोरखास तो अभी भी बहादुर माने जाते हैं जो बहादुर होते थे और रूलर जो होते थे यहाँ वो इतने वॉरियर टाइप बहादुर टाइप थे कि इन लोगों ने नेपाली रूलर्स ने आसपास के काफ़ी एरियाज पर भी कब्जे किए हुए थे कितना इतना कि यहाँ जो सिक्किम है वो भी इन लोगों ने अपने नीचे रखा हुआ था दबाया हुआ था और यहाँ जो अपना उत्तराखंड है वो भी नेपाल के अंडर था नेपाल के रूलर्स के अंडर था तो यहाँ कुमायूं होता है यहाँ गढ़वाल होता है उत्तराखंड की दो मेजर जोग्राफिकल डिवीजन होती हैं एक कुमायूं, एक गढ़वाल कुमायूं है इधर ये वाला हमारा ईस्ट दैट इज़ कुमायूं और गढ़वाल है ये वाला ईस्टर्न साइड में कुमायूं इधर गढ़वाल कुमायूं में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं गढ़वाल में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए एटलस्ट देखिएगा आज तो नेपाल के रूलर्स यहां से लेके यहां तक राज करते थे मोटे तौर पे यहां है नदी सतलुज और यहां नदी है तीस्ता तीस्ता नदी तो सतलुज से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग नेपालीज का राज था फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज आए अंग्रेजों ने आसपास के एरियाज को भी कंट्रोल करना शुरू किया अंग्रेजों ने 1800 में नेपाल के साथ साथ अफगानिस्तान तक और यहां म्यांमार तक बर्मा तक अंग्रेजी साम्राज्य फैलाया हुआ था बर्मा अंग्रेजों से 1935 के आसपास अलग हुआ इंडिया से नहीं तो अदरवाइज इंडिया जब अंग्रेजों के अंदर था तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान तक पाकिस्तान तक तो था ही था पाकिस्तान तो अपना ही था अंग्रेजों के अंदर ऊपर अफगानिस्तान तक वाला एरिया अंग्रेजों के अंदर था इधर म्यांमार तब नाम होता था बर्मा बर्मा भी अंग्रेजों के अंडर था ऐसे ही नेपाल नेपालियों के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हुआ तो नेपाली उस युद्ध में हारे लेकिन अंग्रेजों ने नेपाल ने पर कब्जा नहीं किया क्यों कब्जा इसलिए नहीं किया कि नेपाल में कोई लंबे चौड़े ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे 90 परसेंट एरिया नेपाल का पहाड़ी एरिया है तो वह वहां क्या करेंगे बहुत खुला लैंड होता बहुत फर्टाइल लैंड होता तो भी अंग्रेजों को लालच होता भी यहाँ कुछ कॉटन वगैरह उगाएंगे उसे इकट्ठा करके हम लोग अंग्रेजों के यहाँ ब्रिटेन के यहाँ जो फैक्ट्रीज चलती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ कॉटन काम आएगा ऐसा भी लालच नहीं था तो इसलिए अंग्रेजों ने नेपाल ने को हरा तो दिया पर नेपाल पर कब्जा नहीं किया और जो हराया वो हराया 1815-16 के आसपास और अंग्रेजों ने नेपालियों के साथ एक ट्रीटी की संधि की दैट ट्रीटी इज नोन है ट्रीटी ऑफ सगोली सगोली ये सगोली बिहार में एक जगह है जहां ये समझौता हुआ था तो ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 ही वो ट्रीटी है जिसके कारण जिससे नेपालियों से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया छीन लिया गया अब नेपालियों के पास सिर्फ ये वाला नेपाल रह गया जो आज उनके पास है और इस ए, जब ये ट्रेटी हुई उसके अनुसार ये नेपाल है यहां जो नदी है वो नदी का नाम है मेची नदी और इधर जो नदी है वो नदी का नाम है काली नदी काली महाकाली काली नदी तो काली नदी से लेके मेची नदी इतना एरिया अब नेपाल के पास रह गया पहले कितना होता था सतलुज से लेके तीसता तक नेपालियों का एरिया एरिया कम हो गया तो अब नेपाल ट्रीटी ऑफ सगोली से चलता है जो बाउंड्री है नेपाल का तो झगड़ा किस बात का है इंडिया भी कहता है कि हम तुम्हारे साथ जो बाउंड्री है वो ट्रीटी ऑफ सगोली से ही डिटरमिन करते हैं नेपाल भी ऐसे ही कहता है कि ऑफ सगोली से चलो तो झगड़ा किस बात का है ध्यान करो कल परसों भी मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था यहां भी जो बाउंड्री बनी वो नदी से बनी ना और नदियां आपको मालूम है वो कोर्स चेंज करती रहती हैं थोड़ा थोड़ा तो झगड़े होते हैं प्रॉब्लम क्या हुई इस मां काली की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं हैं ये है लिंपू लेक ये एक और नदी काली नदी ये है लिंपू दरिया ये तीन छोटी छोटी नदियां बस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है मोटी मोटी सुन लो बात आप लिंपू दरिया अब झगड़ा किस बात का है झगड़ा ये है नेपाल बोलता है कि हमारी बाउंड्री वो यहां से शुरू होती है लिंपू दरिया से ये भी तो महाकाली नदी के एक डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी है ना उसी में से निकल रही है हम बोलते हैं आपका एरिया यहां से शुरू होता है लिपो लेक से लिपू लेक से ये झगड़ा है तो इतने एरिया को लेकर झगड़ा है ये कितना एरिया है ये लगभग साढ़े तीन सौ चार सौ स्क्वेयर किलोमीटर एरिया है और हब अभी लेटेस्ट क्या है झगड़ा अप क्यों हुआ झगड़ा फ्लेयरअप इसलिए हुआ कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने इंडिया से बहुत पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर भोले भगवान शंकर वो कहाँ है वो यहाँ हैं उसकी यात्रा के लिए हमें इधर से होके जाना पड़ता है बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है सरकार ने सोचा कि अगर इधर से सड़क बना दी जाए एक्चुअली इधर से लिपू लेख से तो तो रास्ता बहुत ही कम हो जाएगा तो सरकार ने लिपू लेक के पड़ोस से यहां से सड़क निकाला अब नेपाल बोलता है यहां से सड़क क्यों निकाल रहे भैया ये तो सारा हमारा एरिया है ये लिंपू दरिया तक ये झगड़ा है अब हमने दुनिया लगभग अस्सी नब्बे किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली कंस्ट्रक्शन चलता रहा तब कोई एतराज नहीं था उसका उद्घाटन हो गया तब भी कोई ऐतराज नहीं था कुछ दिन बाद ऐतराज जाहिर किया भाई जब काम शुरू हुआ तभी बोलते अरे यहां कहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये तो हमारा एरिया है तब भी नहीं बोला नेपाल उस सड़क को इनोग्रेट कर दिया तब भी नहीं बोला उसके कुछ दिन बाद बोला और फिर नेपाली संसद ने अपने यहां अमेंडमेंट करके अपना मैप भी रिवाइज कर दिया चेंज कर दिया और एक प्रॉपर यहां से नेपाल का एरिया दिखाना शुरू कर दिया ये झगड़ा है इंडिया नेपाल का राइट आपको छोटा मोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो पूछो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ी पॉलिटी पढ़ते हैं बात इतनी बड़ी है बढ़ गई है कि कल का एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि भगवान राम ये अयोध्या में नहीं थे ये तो इंडिया वालों ने जबरदस्ती अयोध्या बनाया हुआ है नेपाल में ही भगवान राम होते थे उनका जो एरिया है जहां वो होते थे जो साम्राज्य होता था वो नेपाल में ही होता था और ओली का कहना है उनके प्रधानमंत्री का कि भगवान राम अयोध्या से इतनी दूर सीता को विवाह करने इतनी दूर नहीं आए थे वो यही होते थे नेपाल में भगवान राम भी और सीता भी ये तो इंडिया ने युसर्प कर लिया है गबन कर लिया है भगवान राम का अयोध्या में कहीं भी राम नहीं होते थे ऐसा नेपाल का कहना है ओली का कहना है अब इंडिया के खिलाफ ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं पिछले दिनों इंडिया के प्राइवेट चैनल्स भी नेपाल ने बैन कर दिए थे तो ये सब चीजें नेपाल धीरे धीरे कर रहा है वो चाइना की शय पे कर रहा है तो पिछले दिनों उससे पहले ओली ने ये भी इल्जाम लगाया था कि नेपाल के कुछ लीडर्स इंडिया के साथ मिलके मेरी सरकार गिराना चाहते हैं तो प्रचंड जो ओली की ही पार्टी के लीडर हैं ओली की पार्टी के लीडर प्रचंडा तो प्रचंडा ने बोला कि भैया या तो प्रूव करो कि कौन लोग हैं जो इंडिया के साथ मिलकर आपकी सरकार गिराना चाहते हैं यानी एक तरह से देशद्रोही टाइप हैं इंडिया के साथ मिले हुए टाइप प्रूव करो नहीं तो रिजाइन दो और न ऐसी बेकार की स्टेटमेंट्स मत दो ये इश्यूज भी नेपाल में उठे हैं और ध्यान करो नेपाल इंडिया ये नेपाल यहां से हमारे ट्रक्स खूब जाते हैं तेल लेके या और खाने का सामान लेके इंडिया से बहुत सामान जाता है और अगर इंडिया थोड़ा सा भी अपनी उंगली टेढ़ी करने लग जाए तो यहां सप्लाईज हैं सारी बंद हो जाएंगी नेपाल को भूखे मरने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी फिर नेपाल ऊपर चाइना की मदद मांगेगा ऊपर से चाइना लेकिन चाइना की तरफ से जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है माउंटेनियस एरियाज हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हालांकि चाइना ने रोड बना लिए यहां तक लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है हमसे रिश्ते खराब होने में नेपाल को भी बहुत भयंकर नुकसान है पर ओली इस वक्त अपनी गद्दी के चक्कर में यह बातें समझ नहीं पा रहे इंडिया, में? इंडिया ने ओली के खिलाफ नेपाल के खिलाफ कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे नेपाल के लोगों के मन में कुछ कटुता पैदा हो इंडियंस ने भी हमारे यहाँ भी हमने कोई बहुत ज़्यादा नेपाल के ख़िलाफ़ या सोशल मीडिया में ऐसी कुछ बातें नहीं की हालांकि नेपाली लोगों ने कुछ भड़काने वाली बड़े नेशनलिस्टिक टाइप बातें की हैं वो होता ही है जो छोटा कंट्री होता है जिसे दबने का ज़्यादा डर होता है वो ज़्यादा बोलता है जो थोड़ा पावरफुल होता है वो शांति से रहते उसे मालूम है कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसा सीन इंडिया नेपाल का है तो आजकल भी न्यूज़ आती है नेपाल से रिलेटेड ये आपको पढ़नी चाहिए फॉलो कीजिए आप इसको तो ये सब काम नेपाल चाइना की शह पे कर रहा है नेपाल की सरकार ओली की सरकार गिरने लगी तो वहाँ चाइना की राजदूत लेडी थी उन्होंने जाके इन लीडर्स को समझाया कि आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार टूटनी नहीं चाहिए गिरनी नहीं चाहिए तुम लोग अलग अलग मत होना कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत रहे क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है वो चाहते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी मजबूत रहे दुनिया में जितनी ज़्यादा कम्युनिज्म फैले उतना अच्छा इसलिए चाइना सपोर्ट कर रहा है प्लस इंडिया के खिलाफ तो सपोर्ट कर ही सकते हैं अब जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो मोदी की ये इच्छा थी कि अपने फॉरेन रिलेशंस के मामले में सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक करूं हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए तो ये समझ लो कि इंटरनेशनल रिलेशन में आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई पड़ोसियों के साथ रिश्ते बढ़िया हों बस इसीलिए जब मोदी ने पहली बार शपथ लिया था तो अड़ोस पड़ोस के सार्क कंट्रीज सबको बुलाया था इंक्लूडिंग पाकिस्तान सबको इनवाइट किया था शपथ ग्रहण समारोह में इस बार नहीं 2014 में अब चाइना भी ये बात समझता है इसलिए चाइना भी कोशिश करता है कि इंडिया को उसके पड़ोसियों से ही दूर कर दूं, ये कोशिश रहती है राइट right? इसी पे याद आया चाइना को लेके कुछ ईरान के साथ भी मोनिका जल्दी से बोलो गुड हाँ, मॉर्निंग जल्दी बोलो लिंक भी मेरे पास तो ले ग्रुप में आता है ना ग्रुप में से लो राइट right. हाँ ईरान की बात याद आई हमारा इंडिया का ईरान का अफगानिस्तान का तीनों कंट्रीज का ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय समझौता था ईरान में चबाहार से लेके अफगानिस्तान तक सड़क बनाने का सॉरी रेलगाड़ी बनाने का रेल चलाने का इंडिया ने रेल चलानी थी वो ईरान में इंडिया ने इन्वेस्ट करना था अभी कल खबर आई है कि ईरान ने इंडिया को बोला है भाई रहने दो आप क्यों कारण क्या है कारण ये है ईरान का कहना है कि इंडिया ने इतने दिन हो गए कोई पैसा वैसा तो लगाया नहीं है पैसा दिया नहीं है इन्वेस्ट किया नहीं है और इन द मीन टाइम चाइना का ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने का समझौता हुआ है कि चाइना इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा ईरान में 2025 तक 400 बिलियन डॉलर्स आने वाले कुछ सालों तक 400 बिलियन डॉलर्स बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है तो आने वाले कुछ सालों तक चाइना ईरान में इन्वेस्ट करता रहेगा ईरान को फिर हमारी क्या जरूरत है प्लस ईरान को बहाना मिल गया कि इंडिया तूने तो रेलगाड़ी बनाने का काम शुरू ही नहीं किया 2016-17 में मोदी जी गए थे ईरान में तब समझौता हुआ था तो तब से लेके हम अब तक हमने कुछ किया ही नहीं हमने क्यों नहीं किया हमने इसलिए नहीं किया कि अमेरिका ने यूएसए ने ईरान पर सेंशन लगाए हुए थे कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ डील नहीं करेगा तो हमें वो डर था एक तो चलो वो सेंक्शन भी इंडिया थोड़ा जोर लगा के यूएस को बोल के भाई रेलगाड़ी ज़रूरी है अमेरिका तो यहाँ सेंक्शन मत लगा मत लगा वो भी हम लोग एग्जेप्ट करा लेते प्रॉब्लम क्या है कि वो रेलगाड़ी बनाने में जो कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं जो सामान इन्वॉल्ड होता है वो कंपनियाँ भी काम करके खुश नहीं हैं क्योंकि उनके ऊपर भी सेंक्शन लग जाएगा अगर वो ईरान में काम करेंगी क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस ने सेंक्शन लगाया हुआ है और उस सेंक्शन में यह भी होता है कि जो कंपनियां ईरान के साथ काम करेंगी ईरान को सामान सप्लाई करेंगी उनके साथ यूएस कंपनियां नहीं डील करेंगी यूएस उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है तो इस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला गया उस कॉन्ट्रैक्ट में बात पैसे की नहीं थी कि इंडिया को प्रॉफिट होना था जो इंडिया की सरकारी रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की सरकारी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी आई आर सी ओ एन इरकोन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इस कंपनी ने रेलगाड़ी बनानी चलानी थी वहां पटरी बिछानी थी यह है पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनियां तो बात पैसे की नहीं है कि पैसे का नुकसान हुआ बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ रिश्ते खराब हुए हमारे ईरान टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा तो और रिश्ते खराब हुए हमारे तो हुए हुए चाइना घुस गए अंदर चाइना को डर नहीं है यूएस की सेंक्शन का चाइना कहते हैं तू क्या सेंक्शन लगाएगा हमारे पर हम ही लगाते हैं भैया चाइना को यूएस को बराबर जवाब देता है चाइना पिछले दिनों दो तीन दो तीन दिन पहले कांग्रेस के मेंबर्स यानी अमेरिका की पार्लियामेंट के मेंबर्स ने चाइना के खिलाफ एक प्रस्ताव वहां पेश किया अमेरिका की पार्लियामेंट में जिन लोगों ने प्रस्ताव पेश किया चाइना ने उनकी एंट्री बैन कर दी अपने देश में क्यों क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऑफिसर्स चाइना के जो उइगर प्रोविंस है चाइना का उइगर जहां मुस्लिम दस लाख मुस्लिम्स को बंदी बनाया है और अमेरिका विरोध करता है इस बात का कि चाइना तूने दस लाख मुस्लिम्स को यहां बंदी बनाया हुआ है तो वो जो बंदी बनाए गए हैं मुस्लिम उनके खिला, खिलाफ जो लीड काम कर रहे हैं उन ऑफिसर्स की एंट्री अमेरिका ने बैन कर दी तो चाइना ने जवाब दिया कि जो एमपी हमारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आए हैं अमेरिका की संसद में उनकी एंट्री चाइना ने बैन कर दी तो चाइना तो साथ के साथ जवाब देता है चाइना को तो का डर नहीं है ये तो हमें डर रहता है कि इंडिया अभी उतना पावरफुल कंट्री नहीं है तो ये ईरान की न्यूज है कल की अब पेपर पढ़ेंगे आप फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएंगी बातें राइट आइए आ जाते हैं और कोई करंट इश्यू आप डिस्कस करना चाहो तो मैसेज भेजो वैसे ठीक है आज के लिए अब पॉलिटी पर आ जाते हैं पॉलिटी में देखिए कल हमने जाना कि इंडिया फेडरल कंट्री है हमारे यहां फेडरलिज्म है फेडरलिज्म है तो सेंटर और स्टेट्स से ऐसे बने हुए हैं स्टेट्स ऐसे बने हुए हैं और इनके पास पावर्स भी हैं इनके पास भी इनके पास भी शक्तियों का पावर्स का बंटवारा है है, तो सेंटर के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं हर स्टेट के पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं तो हर स्टेट के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेंटर के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं हर स्टेट के पास भी जुडिशियल पावर्स हैं सेंटर स्टेट ये एक सेट है गवर्नमेंट का सरकार का ये दूसरा सेट है डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट हो गया ये फेडरलिज्म है अब हमने जाना सेंटर और स्टेट में लजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा हुआ कानून बनाने की शक्तियां इसके लिए हमने क्या किया सेंटर को बोला सेंटर ये ये मुद्दे हैं ये ये इश्यूज हैं ये ये लिस्ट है इस पर तुम कानून बनाना सेंटर तुम कानून बनाना किन मुद्दों पर ये मुद्दे हैं ये लिस्ट है आरबीआई सीबीआई रेलवे मनी एंड बैंकिंग करेंसी, एटॉमिक मिनरल डिफेंस ऐसे ऐसे मामले तो हमने एक लिस्ट बना दी सेंटर के लिए यूनियन के लिए यूनियन लिस्ट स्टेट को भी हमने एक लिस्ट बना के दे दी हे स्टेट तो इन इन मुद्दों पर कानून बनाना स्टेट लिस्ट बन गई एक लिस्ट हमने कंकरेंट लिस्ट बनाई कंकरेंट लिस्ट उसमें वो मुद्दे डाले वो सब्जेक्ट्स डाले जो बोथ सेंटर एंड स्टेट बोथ दोनों को प्रभावित करते हैं कोई ऐसे मुद्दे होते हैं वो सिर्फ सेंटर को नहीं दिए जा सकते सिर्फ स्टेट को नहीं दिए जा सकते वो दोनों को प्रभावित करते हैं जैसे एजुकेशन एग्रीकल्चर तो ऐसा कोई मुद्दा अगर है उस पर कानून कौन बनाए दोनों बनाए दोनों कैसे बनाए झगड़ा हो जाएगा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा अगर झगड़ा हो जाए तो फिर सेंटर का यूनियन का बनाया हुआ कानून ही प्रीवेल करेगा डोमिनेट करेगा वही रहेगा स्टेट वाला नहीं रहेगा यह कंकरेंट लिस्ट होती है तीन लिस्ट बना दी हमने और उसमें सब्जेक्ट्स बांट दिए मुद्दे बांट दिए यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट List. तो एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा हो गया अब एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं इंप्लीमेंटेशन वाली पावर्स इंप्लीमेंट क्या करते हैं ये कोई कानून बनाएंगे ये उसको इंप्लीमेंट करेंगे ये कानून बनाएंगे ये इंप्लीमेंट करेंगे तो इनका मामला अलग है इनका अलग है तो एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ प्रेसिडेंट हैं असली प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ गवर्नर हैं असली सीएम हैं यहाँ पीएम है एग्जीक्यूटिव हेड असली यहाँ सीएम है पीएम अपना काम करो सीएम अपना काम करे कुछ लेना देना ही नहीं है अलग है, अलग हैं अलग अलग हैं लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं मामले ऐसे होते हैं जब सेंटर स्टेट के एग्जीक्यूटिव मामलों में इंटरफेयर करते हैं रादर डोमिनेट करते हैं सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं कि फलाना फलाना एग्जीक्यूटिव काम आपने कैसे करना है क्यों इसलिए कि जो सेंटर है मतलब पूरा देश संभाल रहा है तो स्टेट सेंटर तो पिता समान है उसका जिम्मा तो सभी स्टेट्स को संभालने का है सभी स्टेट्स को तो हर स्टेट को डायरेक्शंस भी सेंटर दे सकता है अगर लगे कि स्टेट कोई गड़बड़ कर रहा है या काम ठीक नहीं चल रहा है कैसे जैसे रेलवे अब रेलवे सेंटर के अंडर आता है रेलगाड़ियां पर वो गुजरती तो स्टेट से हैं अब यहां सेंटर में बीजेपी का राज है किसी स्टेट में कांग्रेस का राज हो मान लो पंजाब तो पंजाब पटियाला से रेलगाड़ी गुजरी तो क्या पंजाब वाले ऐसे बोलेंगे आगे आ गई आ सेंटर की रेलगाड़ी आ गई यहां तो बीजेपी है ये तो बीजेपी वालों की रेलगाड़ी है जला दो जला दो ऐसे तो कैसे देश चलेगा इसीलिए सेंटर स्टेट को ऐसे मामलों में डायरेक्शन दे सकता है कि हमारी रेलवे प्रॉपर्टी को हे स्टेट तूने किस तरह से डिफेंड करना है बचाव करना है उसका नुकसान ना हो तो इस तरह से सेंटर चाहे तो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है पोस्ट ऑफिस हैं सेंटर के बीएसएनएल के ऑफिस हैं अब पोस्ट ऑफिस हर स्टेट में तो स्टेट वाले सब बोल सकते हैं कि ये तो सेंटर की प्रॉपर्टी है इसको जला दो आग लगा दो ये खंबे टेलीफोन के तो बी के हैं जला दो नहीं इसके लिए सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को पर मोटे तौर पे इनके एग्जीक्यूटिव पावर अलग इनकी अलग काम अलग अलग बटा हुआ है फिर जुडिशरी जुडिशरी अब ध्यान दीजिए जुडिशरी को अच्छे से समझते हैं जुडिशरी सेंटर की स्टेट की हमारे यहां जुडिशरी अलग अलग नहीं है वो इंटीग्रेटेड है एक ही चेन है उस चेन में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे स्टेट्स में है हाई कोर्ट और उनके नीचे डिस्ट्रिक्स में है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स निचली अदालतें तो जुडिशियल सिस्टम अपने यहां इंटीग्रेटेड है अलग अलग नहीं है ऐसा नहीं है राज्यों तुम्हारा अलग केंद्र तुम्हारा अलग जैसे अमेरिका में होता है अमेरिका में हर स्टेट की अपनी अलग सुप्रीम कोर्ट है हमारे ऐसा नहीं है हमारे यहां हाई कोर्ट्स हैं और वो सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करती हैं हमारे यहां सबसे ऊपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है बाकी कोर्ट्स ये वाली कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करेंगी सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे सबोर्डिनेट कोर्ट ऐसे चलता है ऐसे काम होता है ऐसे ही हम कोई मुकदमा करते हैं हमारे यहाँ किसी किराएदार ने कब्जा कर लिया किराया भी नहीं देता दस बीस साल से दुकान भी दबा के बैठा है तो हम निचली अदालतों में मुकदमा करेंगे ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वहां हमें न्याय नहीं मिला तो हम ऊपर हाई कोर्ट में अपील करते हैं हाई कोर्ट में भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुकदमा है वो सब जगह पहुंचेगा पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटेड है कोर्ट्स इसी तरह से यहां का जज प्रमोट होके हाई कोर्ट का जज बनेगा हाई कोर्ट का जज प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स को सुपरवाइज करेंगी और हाई कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करेंगी तो हमारे यहां ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम राइट right? यह है सेंटर और स्टेट में ज्यूडिशियल पावर्स का बंटवारा अब अब बात समझो हमने जाना सेंटर स्टेट अब सेंटर और स्टेट ये दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं जब एक ही जगह काम करते हो आप तो कुछ ना कुछ झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में ये झगड़े ध्यान करो ये झगड़े अपने देश में 1967 के बाद से ज्यादा हुए अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार हो और हर स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार हो यानी इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का हो उसके हेड उसके लीडर यही होंगे ना सेंटर वाले कांग्रेस वाले कांग्रेस पार्टी यहां भी यहां भी अलग तो नहीं है तो स्टेट के लीडर्स कांग्रेस पार्टी वाले सब जगह कांग्रेस पार्टी का राज हो फिर तो स्टेट और सेंटर में कोई झगड़ा ही नहीं है फिर तो जो यहां सीएम बनता है वो इनकी कृपा से इनकी मर्जी से ही बनता है सेंटर की जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी सेंटर के इलेक्शंस लड़े सेंटर में जवाहरलाल नेहरू की पार्टी जीत गई सेंटर में पावर में आ गए स्टेट्स में इलेक्शंस हुए वहाँ भी इलेक्शंस लड़े जवाहरलाल नेहरू की पार्टी जीत गई जवाहरलाल नेहरू ने बोला भैया इसको सीएम बनाओ इसको बनाओ इसको बनाओ तो सीएम जो बने वो भी नेहरू की कृपा से बने तो स्टेट की सरकार नेहरू की कृपा पर तो स्टेट की सरकारें सेंटर से नेहरू से झगड़ा क्यों करेंगी कोई झगड़ा नहीं है 1967 के बाद क्या हुआ स्टेट्स में विरोधी दलों की सरकारें आनी शुरू हो गई पहले भी आती थी पर अब ज्यादा हो गई अपोजिशन वाली सरकारें दूसरे दलों की वो आनी शुरू हो गई और खास तौर पे 1978 के बाद ये ज्यादा हो गया क्या हुआ इन स्टेट्स में बहुत जगह बीजेपी पावर में आ गई हालांकि उस जमाने में बीजेपी होती नहीं थी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं क्या हो गया यहां कांग्रेस हो गई या स्टेट्स में बीजेपी हो गई अब झगड़ा होने के चांसेस बढ़ गए बढ़ गए क्यों पावर्स अलग अलग हैं बंटवारा हुआ पड़ा है सेंटर दो सेट हैं सरकार के एक ऊपर एक नीचे तुम अपना काम करो तुम अपना काम करो काहे का झगड़ा का झगड़ा इस बात का कि हमारा संविधान में ही स्टेट्स को हमने कमजोर बनाया है उतना मजबूत नहीं बनाया है कि अपने दम पे जी सकें सरवाइव कर सकें उनको सर्वाइवल के लिए सेंटर की मदद की जरूरत होती ही होती है कैसे सरकार है ये स्टेट्स की सरकार है सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए सरकारें पैसा कहां से इकट्ठा करती हैं कहां से आता है पैसा सरकार को सोच के देखिए टैक्सी टैक्सीज टैक्सीज कौन देगी जनता देगी और जनता से टैक्स फिर दो तरह की सरकारें हैं वो दोनों लेंगी क्योंकि दोनों को पैसा चाहिए तो मैं एक सिटीजन हूं मुझसे टैक्स सेंटर भी लेगा स्टेट भी लेगा क्या हाँ तो हमने क्या किया दुनिया भर के टैक्स होते हैं हमने बंटवारा कर दिया कुछ टैक्सेस हमने सेंटर को दे दिए भाई ये टैक्सेस तुम इकट्ठा करो तुम अपना काम चलाओ कुछ टैक्सेस स्टेट को दे दिए तुम काम चलाओ जैसे एग्जाम्पल इनकम टैक्स इनकम टैक्स कौन इकट्ठा करता है स्टेट या सेंटर सेंटर इनकम टैक्स ले गया हमसे स्टेट अभी आजकल नहीं होता ध्यान करो वैट वैल्यू एडिट टैक्स वो स्टेट लगाता है तो पैसा स्टेट के पास गया तो सेंटर ने भी इकट्ठा किया स्टेट ने भी इकट्ठा किया पर हमारे संविधान में ये टैक्सेस का बंटवारा इस तरह से हुआ है कि स्टेट्स जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उनसे उनका काम नहीं चलता नहीं चलता तो बेचारे क्या करेंगे तो सेंटर की तरफ हमेशा भीख का कटोरा बैगिंग bowl इन their हैंड भीख का कटोरा लेके खड़े रहते हैं मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं भीख का कटोरा ये बहुत बार इस्तेमाल होता है बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं किताबों का शब्द है तो स्टेट्स कटोरा लेके सेंटर की तरफ खड़ा रहते हैं सेंटर कुछ डालेगा तो स्टेट का काम चलेगा सेंटर डालेगा सेंटर यानी कांग्रेस पार्टी डालेगी तो बीजेपी वालों का काम चलेगा अब सेंटर कांग्रेस क्यों बीजेपी वाले स्टेट्स को बहुत पैसा देगी अगर दे दिया बीजेपी वालों को सड़क बनाने के लिए पैसा इन्होंने अपने स्टेट में अच्छी अच्छी सड़क बना देनी है अगली बार जनता ने फिर वोट बीजेपी को देना है ये तो कांग्रेस का नुकसान हो गया तो कांग्रेस सोचेगी अरे पैसा देके बीजेपी वाली सरकार को नुकसान कर लिया हमने तो तो कांग्रेस पैसा नहीं देगी नहीं देगी झगड़ा होगा झगड़ा होगा आप इसको इस एग्जाम्पल से समझो अभी आजकल सेंटर में मोदी जी बीजेपी किसी स्टेट में कांग्रेस पंजाब कैप्टन अमरिंदर अब कैप्टन अमरिंदर पंजाब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मोदी जी के पास गए कि मोदी जी पंजाब की सड़कों की हालत ख़राब है कुछ पाँच सात सौ करोड़ दो सड़कें बनाएं मोदी जी कहते भी क्या बताएं कैप्टन साहब कुछ है ही नहीं पैसा वो देखो तिजोरी रखी है खाली रखिए खोल के देख लो बुरा हाल है जी मनमोहन सिंह तिजोरी खाली करके गए मैं तो क्या करूं जी बस है ही नहीं जी कुछ है ही नहीं तो कैप्टन उठ के आ गए वो चलो ठीक है नहीं है तो काम चलाएंगे तभी थोड़ी देर बाद वहाँ हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर या हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर वो पहुँच गए हाँ जी आओ, जी आओ जी आओ जी आओ कैसे आना हुआ जी जी वो हिमाचल में सड़कें बनानी है मोदी जी ने बोला हाँ हाँ बढ़िया बात है बनाओ जी वो पाँच सौ करोड़ रुपए चाहिए थे मोदी क्या बोलेंगे पाँच सौ करोड़ से क्या होना है वो तिजोरी है भरी पड़ी है पीछे वाली तरफ से खोलो निकाल लो जितने चाहिए और बढ़िया सड़कें बनाओ हिमाचल में ताकि जनता वाह वाही करे हमारी हिमाचल को दे दिया पैसा पंजाब को नहीं दिया भेदभाव किया डिस्क्रिमिनेशन की पार्शालिटी की की तो पंजाब नाराज होगा होगा पक्का होगा ऑफ कोर्स होगा और कई बार कि नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाएगी ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने ऐसी ऐसी बहुत बातें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो जाएगी। पंजाब बोलेगा कि भैया इंडिया छोड़ मुझे तुम तू तु अलग मैं अलग मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है मुझे तो अलग करो जी मैं तो अपने छोटे से पंजाब में यहीं से काम चला लूंगा हमें तो अलग ही कर दो पंजाब को तो अलग ही कंट्री बना दो खालिस्तान तो अलग प्रदेश की मांग नॉट प्रदेश अलग कंट्री की मांग उठेंगी उठेंगी तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी अखंडता खतरा हो गया हो गया टी को खतरा हो गया हो गया ये किस कारण हुआ ये इस कारण हुआ कि सेंटर और स्टेट के रिश्ते ठीक नहीं रहे अगर सेंटर स्टेट के रिश्ते ठीक हों सेंटर तरीके से राज्यों को पैसा देता रहे ठीक से व्यवहार करे तो स्टेट्स क्यों नाराज होंगे अब 1980s में आजकल नहीं 1980s में पंजाब जल रहा था खालिस्तान की मांग नॉर्थ ईस्ट में हर दिन बम विस्फोट होते थे नागा उग्रवादी और साउथ के भी कुछ एरियाज में झगड़े चल रहे थे कश्मीर की समस्या भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी तो ऐसे वक्त में जब देश में भयंकर उथल बुथल मची हुई थी तो ये विचार आया कि अपने यहां स्टेट्स क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्यों झगड़ा करते हैं चाहते क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं स्टेट्स की टू स्ट्रीमलाइन, टू इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंदिरा गांधी सेटअप अ कमीशन नोन एज सरकारिया कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जस्टिस सरकारिया के अंडर एक कमीशन बनाया गया किस लिए राज्य और केंद्र के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को कैसे सुधारा जाए इसके लिए उस कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि केंद्र और राज्य के रिश्ते कैसे बढ़िया हो सकते हैं कैसे इंप्रूव हो सकते हैं जो जो इरिटेंट्स थे जो जो बाधाएं थी जो जो प्रॉब्लम्स थी जैसे पैसे वाली प्रॉब्लम जो जो प्रॉब्लम्स थी सबके सॉल्यूशन सरकार या कमीशन ने दिए केंद्र ने क्या माने क्या नहीं माने इज अ डिफरेंट स्टोरी वो अलग है किस्सा लेकिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। इस बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो पॉलिटी में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन रिश्ते और वो रिश्ते लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव रिलेशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या क्या कमेटीज हैं क्या क्या कमीशन बनाए गए पुंछी कमेटी छोटे पेपर में सवाल आता है सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पुंछी कमेटी इज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस तो ये दो मेजर मेजर मेन मेन कमीशन एंड कमेटी मानी जाती है तो उनका भी जिक्र हम इसमें करेंगे कि क्या कमेटी ने रिकमेंडेशन दी ये पढ़ेंगे हम इसमें इसके बाद अब हमने क्या जाना कि सेंटर है अपने यहां स्टेट्स हैं और सेंटर और स्टेट्स में पावर का बंटवारा है एक सेंटर है अब अपने यहां 28 स्टेट्स हैं ये हो गया पूरा इंडिया पूरा इंडिया यही है 28 स्टेट्स कुछ और भी है और भी है क्या यूनियन टेरिटरीज़, यूटीज यूटी भी है अपने यहां सिर्फ स्टेट्स नहीं है यूनियन टेरिटरी स्टेट की टेरिटरी नहीं यूनियन की सेंटर की टेरिटरी इसकी टेरिटरी सेंटर ने अपनी टेरिटरी रखी हुई है जैसे चंडीगढ़ अब चंडीगढ़ ना पंजाब का ना हरियाणा का ना अलग राज्य तो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है सेंटर के हाथ में अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स पुडुचेरी देव दमन ये सब और लेटेस्ट यूटी बनने वाली लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, यूटीज अब स्टेट्स के बारे में तो हम जानते हैं सेंट्रल स्टेट्स की पावर्स का बंटवारा है तो स्टेट्स के पास भी लेजिस्लेटिव पावर है एग्जीक्यूटिव पावर है जुडिशियल पावर्स हैं पर यूटीज यहां कोई बंटवारा थोड़े है सेंटर ने कोई पावर्स बांटे थोड़ी हैं ये तो सेंटर का ही एरिया है यूटीज तो यहां कोई अलग से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव नहीं कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटर का ही एरिया है तो सेंटर की लेजिस्लेचर ही यूटी की लेजिस्लेचर हो गई हो गई तो मतलब कि चंडीगढ़ की, की लेजिस्लेचर वो सेंटर की लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट दिल्ली वाली वही है वही है तो चंडीगढ़ के लोग अपने यहां से नेता चुन के दिल्ली भेजते हैं दिल्ली भेजते हैं स्टेट वाले वो कहां भेजते हैं स्टेट वाले भी दिल्ली भेजते हैं पर स्टेट अपने यहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली बना के रखता है वहां भी भेजते हैं स्टेट वाले तो स्टेट के लोग अपने यहां एम भी इलेक्ट करते हैं ध्यान दीजिए जो लोग यूटी में रहते हैं चंडीगढ़ में रहते हैं वो एक ही प्रकार का वोट डालते हैं एम लोकसभा वाला जो स्टेट में रहते हैं वो दो प्रकार के वोट डालते हैं दो प्रकार के एक सेंटर वाला और दूसरा स्टेट वाला क्योंकि वहां अलग लेजिस्लेचर है तो उसका मेंबर भी तो चाहिए वो भी इलेक्ट स्टेट के लोग ही करते हैं तो यूटी पूरी तरह से, से सेंटर के अंडर ही होती है तो एक तरह से यूटी का मुखिया सेंटर का मुखिया है और सेंटर का मुखिया कौन है मोदी प्रधानमंत्री हाँ तो यूटी का मुखिया भी प्रधानमंत्री हुए हुए पर एक्चुअली प्रैक्टिकली जो होम मिनिस्टर होते हैं वो यूटी संभालते हैं और आजकल कौन है होम मिनिस्टर अमित शाह तो यूटी के लोगों को चंडीगढ़ के लोगों को समस्या हो कि जी हमारे यहां सड़कों में बुरा हाल है स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं हम समस्या लेके किसके पास जाएं अगर स्टेट में कोई समस्या हो पटियाला में समस्या हो जाए तो पटियाला के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाएंगे अपने हेड के पास राजा के पास चंडीगढ़ के लोगों को समस्या हो तो ये कहा जाएंगे ये जाएंगे मोदी के पास मोदी बोलेंगे भैया मैंने तो होम मिनिस्टर को काम सौंपा हुआ है यूटी संभालने का तो उनके पास जाओ हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे वो हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे पर एक्चुअली हर बार हम दूर दिल्ली होम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते को यहां भी होना चाहिए तो इसके लिए सरकारें सेंटर की सरकार यूटी का एक हेड बना के यहां भेज देती है हमारे लिए जिसे हम यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं वो ऐसे ही होता है जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसे यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स में इज इक्वल टू पंजाब का हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है कि कैसे यूटी हमारी चलती है वो हम देखेंगे ये टॉपिक भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे राज्यों के बीच में व्यापार को लेके फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स वो चीजें भी पढ़ेंगे हम पॉलिटी में फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे एमरजेंसी पावर्स, एमरजेंसी एमरजेंसी प्रोविजन हमने अपने संविधान में डाले हुए हैं ये क्या होता है संविधान में इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ ये क्या रिलेशन हुआ थोड़ा सो आइडिया लगाओ देखो हमने संविधान अपना सारा इस तरीके से बनाया है कि जब देश में सुख शांति रहे तो देश कैसे चले जब चीजें स्मूथ हों ठीक हों पर कोई जरूरी नहीं है हमेशा चीजें ठीक हों कभी कोई गड़बड़ भी हो सकती है जब कोई गड़बड़ हो जाए उस वक्त हमारा देश कैसे चले गड़बड़ कैसी उसके लिए हमने जो विजुअलाइज किया जो इमेजिन किया कल्पना की कि कैसी गड़बड़ें हो सकती हैं दूसरे देशों के संविधानों को स्टडी किया जर्मनी के संविधान को स्टडी किया और समझा कि जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी के यहाँ कोई समस्या खड़ी हो जाए उसे वो इमरजेंसी कह रहे हैं तो इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए हैं ऐसे वक्त में देश ऐसे काम करेगा तो हमने भी कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस अपने यहाँ बनाए जो इमरजेंसी में काम करेंगे और ये इमरजेंसी किस कारण पैदा होगी हमने तीन ग्राउंड तय किए तीन प्रकार की इमरजेंसीज तय किए ग्राउंड नहीं तीन प्रकार की इमरजेंसीज पहले प्रकार की इमरजेंसी को हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी ये अंडर आर्टिकल 352 352 लगती है किस ग्राउंड पे लगती है नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर युद्ध छिड़ जाए हमारा चाइना के साथ युद्ध हो गया तो ऐसे वक्त में चीजें नॉर्मल तो नहीं रहेंगी कुछ उथल पुथल होगी होगी या एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी हमला बाहर से किसी ने अटैक कर दिया तो या तीसरा है आर्म्ड आर्म्ड रिबेलियन यानी हिंदी में सशस्त्र विद्रोह बंदूकें लेके मोदी जी के ऑफिस में चढ़ गए उग्रवादी जब पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया या सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया तो देश पर संकट आ गया ऐसी स्थिति में जरूरी उग्रवादी हमारे अपने लोग लोगों ने ही पार्लियामेंट को घेर लिया तो ऐसी स्थिति में एक्चुअली ये स्थिति को नॉर्मल स्थिति नहीं है सामान्य स्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें निपटने के तरीके भी असामान्य होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगे ऑर्डनरी वे से तो नहीं निपटे जाएंगे देश पर भयंकर संकट आ गया इसीलिए देश में एमरजेंसी की घोषणा हो जाती है तो जब भी वॉर हो बाहरी हमला हो या सशस्त्र विद्रोह इन तीन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं तीन ग्राउंड्स में से कुछ भी हो जाए तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो भारत में या भारत के किसी हिस्से में एमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं ये इमरजेंसी है कौन लगाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं एक्चुअली मोदी प्रधानमंत्री देश में युद्ध छिड़ गया युद्ध को टैकल करने का काम तो मोदी का ही है हमारे देश में संविधान में काम सारे प्रधानमंत्री करेंगे नाम राष्ट्रपति का चलेगा या हम ये बोलेंगे कि राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे पर एक्चुअली मोदी लगाएंगे मोदी बोलेंगे राष्ट्रपति को जी लगाओ साइन करो तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा करना पड़ेगा राष्ट्रपति सिर्फ साइन करने के लिए हैं राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैम्प हैं पावर्स पावर्स नहीं है ये और डिटेल में जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे उनको क्या पावर्स हैं क्या नहीं है एक्चुअली उनका स्टेटस क्या है ये पूरा अलग टॉपिक है तो अभी आप ये समझो कि प्रेसिडेंट नाम नाम के हेड हैं सारा काम मोदी करेंगे एमरजेंसी भी मोदी ही लगाएंगे तो लग गई एमरजेंसी हो गई घोषणा उससे क्या होगा उससे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे देश में जैसे जैसे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे खुल के बोलने की आजादी घूमने की आजादी अब नहीं रहेगी वो अधिकार नहीं रहेंगे हमें और रिटेल में बाद में पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की इमरजेंसी इज स्टेट इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 लगती है आर्टिकल 356 मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है हिंदुस्तान के संविधान में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल तीन है यह किसी एक स्टेट में लगती है कौन लगाता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब मोदी मोदी मतलब सेंटर सेंटर मतलब बीजेपी तो सेंटर जब चाहे किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकती है और उस स्टेट की सरकार को बर्खास्त कर सकती है उड़ा सकती है अब मोदी बीजेपी वाले किसी बीजेपी वाले स्टेट की सरकार तो नहीं उड़ाएंगे कांग्रेस वाली सरकार ही उड़ाएंगे किस आधार पे? इस आधार पे कि अगर उन्हें लगे कि स्टेट की सरकार स्टेट की सरकार संविधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है असंवैधानिक तरीके इस्तेमाल कर रही है सबको चलना तो संविधान से है अगर कोई संविधान से ना चले स्टेट गवर्नमेंट तो सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट की सरकार को उड़ा दो बर्खास्त कर दो वहां दोबारा इलेक्शन करा दो सो स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इंपोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अच्छे से पढ़ेंगे आगे तीसरे प्रकार की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल जब देश पर वित्तीय संकट आ जाए पैसे की कमी हो जाए ऐसे वक्त में सेंटर चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे और जब यह लगती है तो पैसे खर्च करने कम हो जाएंगे सेंटर बोलेगा हर स्टेट को भैया जी पैसा नहीं खर्च करना मुझसे पूछ के करना सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज घटा दो जजेज की सैलरीज भी घटा दो ये कर दो अभी देश पर वित्तीय संकट आ गया है पैसे का संकट आ गया है जब देश की स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी खतरे में हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है ये तीन प्रकार की इमरजेंसीज़ होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक शुक्र है भगवान का नहीं लगी है राइट right? ये इमरजेंसीज़ वाला टॉपिक है ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन हो गया ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक हो रहे हैं थोड़ थोड़ा थोड़ा आइडिया उनका देके अब हमने पढ़ना शुरू करना एक एक टॉपिक से अब कैसे पढ़ेंगे तरीका क्या है अब उसका तरीका ये रहेगा मैं स्लाइड बना के यहां स्लाइड आ जाएगी सामने मैं बोलता रहूँगा आप नोटबुक रखिएगा कुछ कुछ लिखते रहिएगा साथ साथ में जो इसके अलावा और जो बातें बोलूंगा ये स्लाइड मैं आपको पहले भेज दिया करूंगा एक टेलीग्राम चैनल पर वो आपने उसका प्रिंट आउट लेना है उस स्लाइड एक नोट्स के रूप में आपके पास पहले ही आ जाएगी या कल को मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा फिलिंग द ब्लैंक्स वो मैं यहां रखा करूँगा आपके पास एक दिन पहले आ जाया करेगी आपने उसका प्रिंट आउट लेना है और मेरे साथ साथ उसको फिल करना है ऐसे हम एक्सरसाइजेज करेंगे ऐसे सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार होगा अच्छे से मेहनत तभी होगी तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उन सब की स्लाइड्स यहां आया करेंगी वो स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी आप उसकी कॉपी कराना प्रिंटआउट लेना और स्लाइड मतलब पूरे नोट्स आपके हाथ में आ गए उन नोट्स में ही कुछ आपने ऐड करना है कुछ करते चलो एडिशंस। इस तरह से काम करेंगे राइट right? थैंक यू सो मच बाय बाय अ गुड डे पेपर पढ़ते रहिएगा वो कैबलरी इम्प्रूव करते रहिएगा थैंक यू सो मच